ये सामान्य प्रक्रिया है, और ये सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण तापक्रम में कमी आती है, और उसी के कारण अभी 2-3 दिन पूर्व हिमालय क्षेत्र में भारी मात्रा में हिमपात हुआ है, जिसके कारण तापमान में कमी आई। ये इधर पिछले विगत कुछ वर्षों से ये स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है। दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर सामान्य से 10 गुना तक बढ़ जा रहा है, और ये एक वायुमंडलीय घटना के कारण विशेष रूप से प्रभावित होता है। भारत का मौसम मुख्यतः जेट स्ट्रीम से प्रभावित होता है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, और इसके कारण धरातल के उच्च भाग में उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि धरातल पर नीचे तापक्रम कम होने के कारण भी उच्च वायुदाब हो जाता है, और इससे पूरे उत्तर भारत में स्थिरता का मौसम आ जाता है। पूरी वायुमंडलीय दशाएं स्थिर हो जाती, और जब इसमें प्रदूषण बढ़ता है पटाखों के कारण, और पंजाब हरियाणा में जब फसलें जलाई जाती हैं सूखी हुई जो बची हुई हैं, तो उसके कारण जो धुआं उत्पन्न होता है वो इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र में फंस जाता है, और ये लगातार लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहती है। और ये जब कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तभी ये स्थिति समाप्त होने के लिए आती है, और इसलिए हमें पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रदूषण, और ये प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लगभग 4 पैकेट सिगरेट के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन और कई विषैली गैसें जो हैं वो हम लोगों को प्रभावित कर रही हैं, और इससे फेफड़ों की बीमारी, श्वास की बीमारी, हृदय रोग संबंधी समस्याएं बहुत अधिक सामने, इस तरह की समस्याएं सामने दिख रही हैं। ये जैसा कि मैंने बताया कि जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा तभी इसका प्रभाव जो है वो कम होगा। इसके लिए मास्क बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, अच्छी श्रेणी के मास्क, और बड़े शहरों में अधिकांश लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसी का उपयोग करना एकमात्र है। दूसरा है कि अब बहुत अच्छे किस्म के रूम प्यूरिफायर्स भी आ रहे हैं जो बहुत अधिक महंगे नहीं हैं, उनका प्रयोग करने से इससे बचा जा सकता है।